तो चलिए व्यूअर्स, आज मैं आपको सिंपल से आलू मटर बनाना सिखा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मटर हैं, आलू हैं, प्याज है, दो टमाटर हैं, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक और साथ में हरा धनिया, देन लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला और सूखा धनिया है और जीरा भी है जो मैंने भून लिया है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने भून लिया है, थोड़ा सा रोस्ट कर ले, ये मैं सब्जी में डालूंगी और साथ में ये हींग डालूंगी। देखिएगा कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और ये है तो सिंपल से आलू मटर, लेकिन देखिएगा किस कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं मटर को धो लिया है और आलू को मैं छिलके, प्याज को छिलके मैं बारीक पीस लूंगी। तो मैं चलिए दिखाती हूँ कैसे करना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने आलू को अच्छी तरह पोंछ के डाइसेस काट लिए हैं, प्याज को पीस लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी इसी में पीस लिया है, टमाटर पीस लिया है, हरा धनिया को काट लिया है और मटर धो लिए हैं अच्छे से। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में मैं ऑयल डाल चुकी हूँ, इसमें ये 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल है। अब मैं गैस चलाऊँगी, ये मैंने गैस ऑन कर दिया है और मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी। देखिएगा व्यूअर्स कैसे करती हूँ मैं आलू फ्राई इसके अंदर। ये हमारा ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और फटाफट से ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। हम इसमें एक आलू डाल कर देखते हैं, आलू बिल्कुल सही फ्राई हो जाएंगे, सही नॉर्मल तेल गर्म हो चुका है। इसमें अपने सारे आलू फ्राई करने के लिए डाल दूँगे, इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगी। देखिए अब इसको चलाते रहेंगे और गैस को तेज ही रखेंगे, बिल्कुल स्लो नहीं रखेंगे। और आलू गोल्डन फ्राई होने तक पकाने तक हमें इसको चलाते रहना है। आलू फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। व्यूअर्स देखिए हमारे अब आलू फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, गैस को सिम कर लेंगे और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारा घी अभी गर्म ही है ऑलरेडी, तो मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, थोड़ी हींग डालूंगी एंड देन मैं इसके अंदर अब मैं प्याज डाल दूंगी और चला लूंगी इसको। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है और गैस को मैं तेज़ कर दूँगी। अब मैं इसमें जीरा डालूँगी भुना हुआ, जो मैंने आपको कहा था मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था जीरे को। अब मसाले को गोल्डन ब्राउन करना है, हमने प्याज को फ्राई करना है अच्छे से। व्यूअर्स जैसे ये प्याज भून रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ एक टिप भी देती हूँ कि जब भी आप प्याज़ों को पीसें तो इसमें पानी डाल के ना पीसें, नहीं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है प्याज को फ्राई होने में। आप बिना पानी के ही इसको मिक्सी में चर्न करें या हैंड ब्लेंडर से चर्न कर लें। देखिए व्यूअर्स अभी हमारे प्याज हो चुके हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, तो मैं इसमें डालूँगी टमाटर की प्यूरी। ये मेरे पास टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली है, इसमें डाल दूंगी। अब मैं एक एक करके मैंने मिक्स कर लिया है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक एक करके मसाले ऐड करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, ये 3 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूंगी,
था, एक टीस्पून मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, एक टीस्पून सूखा धनिया या ड्राई कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून मैं आमचूर पाउडर डालूँगी और देन हाफ टी स्पून मैं ये रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ ही हाफ टी स्पून मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अगर ये ना मिले तो ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, तेल छूटने तक मसाले के इसको पका लूँगी। मेरे मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें एक घूंट पानी डालूँगी या थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मेरे मसाले जले नहीं। और अब मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। मैंने मटर ऐड कर लिया। मैं मटर को इसी थोड़े से पानी के अंदर बिल्कुल मीडियम आंच पे धीरे धीरे ढककर पका लूँगी ताकि मटर मेरे गल जाए। अगर बस आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी और भी डाल सकते हैं ताकि हमें मटर पकाने में आसानी रहे। और अब इसे ढककर पका लेंगे। देखिए व्यूअर, सब हमारी सब्जी के मटर जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं। मैं आपको एक तवा पे दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल ये फ्रेश गल चुके हैं। अब मैं इसमें अपने फ्राई किए हुए आलू ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स, हमने इसके पानी को बिल्कुल जो एक्स्ट्रा पानी था उसको सुखा लेना है ओपन में ही, हमने इसको ढकना नहीं है। और साथ में मैं इसके डाल रही हूँ हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया मैंने काट के रखा था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और इसके साथ ही मैं हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर लूँगी और गैस को बंद कर दूँगी। व्यूअर्स, अब लास्ट में हम इसके ऊपर एक चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। ये मैंने एक चम्मच घी ले लिया है तो उसको ऐड कर लिया है ताकि सब्जी में शाइनिंग आ जाए। देखिए अब हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो आलू मटर का, देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी रसेदार सब्जी बनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ आने वाले बेल आइकन को भी। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये अपनी आलू मटर की सब्जी को सर्व कर लिया है, तो मैंने इसको ऊपर से हरा धनिया से सर्व किया है। अगर आपको मेरा आलू मटर का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो व्यूअर्स प्लीज़ कर लीजिएगा और उसके साथ आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।